हाई व्यूअर्स, इस वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आप सब तो इंटरव्यू में देख ही लिया होगा कैसे ये वीडियो में मैं बहुत कुछ बंगाली एग्रीकल्चर, बंगाली कल्चर के बारे में और बहुत कुछ दिखाने जा रहा हूँ जो आप सबको एकदम नहीं पता होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में आप सब देख सकते हैं कितने लोगों ने यहाँ पर बाजार करने के लिए आए हैं। ये फिश बाजार, मछली का बाजार यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ से 1.5 किलो से 1 किलो से 10 किलो तक मच्छी यहाँ पर मिल सकती है। और इसमें हर आदमी मछली खरीदने के लिए ही आया है सब। ये 1.5 किलो से 5 किलो 6 किलो मछली हर आदमी यहाँ पर खरीद रहा है। और ये त्यौहार का मीन्स आप सबको मैं बताना चाहूँगा। ये इस त्यौहार का नाम है रन्ना पूजा। इसमें हिंदी को बोलते हैं रसोई पूजा। रसोई में हम सारा साल काम करते हैं, खाना पकाते हैं, पर एक दिन आता है 17 सितंबर को, एक दिन आता है जहाँ पर रसोई पूजा को हम रेस्ट देते हैं। रसोई में कोई नहीं जाता, वहाँ पर पूजा होता है। पूजा होने के बाद रसोई को पूरा पूरी रेस्ट देने से पड़ता है। अगले दिन पूरी इस दिन का पूरी रन्ना रसोई हो जाता है, खाना फाना पक जाता है। और खाना का फुल वीडियो मैं दूंगा। तो इसके बाद सीधा मिलते हैं 12 बजे। तो आप सबको जरूर समझ में आ गया होगा जो रसोई पूजा बंगाली में लोगों का के लिए कितनी महत्व है। आप सबको मैं ये जानने के लिए ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है। जरूर से इस वीडियो का एक लाइक तो बनता है। और चलिए सीधा 12 बजे मिलते हैं। तो व्यूअर्स, अब खाना का टाइम हो रहा है, 12 बज चुके हैं। चलिए आप खाने की पूरी वीडियो आप सबको मैं दिखा देता हूँ। चलिए शुरू। फ्रेंड्स, आप सब यहाँ पर देख सकते हैं 3-4 रकम का सब्जी है। और इसको कहते हैं भी पानी में भीगा चावल, बंगाली में इसको कहते हैं जल देवा भात। और यहाँ पर फिश करी को आप देख सकते हैं। और फिर इसको देखकर आप सबको कैसा लगा, और आप फिश खाते हैं क्या नहीं खाते मुझको ज़रूर से कमेंट करना। और यहाँ पर 3-4 रकम का भाजा है, पटल भाजा, पोटैटो भाजा, ब्रिंजल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फ्रेंड्स, इस सब को हम इस त्यौहार में खाते हैं। और थोड़ा बहुत मिठाई भी है इस त्यौहार में, हम सब ये बहुत मज़े से खाते हैं और बहुत ही आनंद प्राप्त करते हैं। और दोस्तों, इस जो पिक्चर में दिखाने गया है ये डॉगी, इस डॉगी को मैंने बचपन से पाला है और ये बहुत ही अच्छा डॉगी है। इसको जो भी कहूँ जो भी ये, बट कुछ नहीं खाया था। एक बार डाकू से वो जितनी दूर मेरे आवाज़ पहुँचेगा वहाँ से दौड़ते दौड़ते मेरे पास आ जाएगा। बहुत ही अच्छा इसका नाम मैंने एक रखा है भूलू, और ये बहुत ही अच्छा है। और इस पिक्चर में आप इसका फ़ोटो को देख सकते हैं, कितना अच्छा फ़ोटो है। तो व्यूअर्स, इस वीडियो को आप सबको कैसा लगा मुझको ज़रूर से कमेंट कर बताना। और इसमें बंगाली लोगों का एक ऐसे कल्चर और बहुत कुछ ऐसे तथ्य जो आप सबको मालूम नहीं था वो सब ने बताया। और आप सबको कैसा लगा मुझको ज़रूर से कमेंट करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि आप शेयर से हर लोगों की तरफ ये वीडियो पहुंचेगा और सबको ये सब जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और 22 तारीख को ज़रूर से एक वीडियो देखना। बहुत ही अच्छा और बेहतर वीडियो होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार होगा वो वीडियो, ज़रूर से वो वीडियो देखना। और मेरे पहली ब्लॉग वीडियो ना देखा तो मैं उसकी ब्लॉग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप ज़रूर से देखना। वो ब्लॉग भी मैं मेरे घर के आसपास का हर व्यू ओवरव्यू सबको कुछ दिखाया है, जरूर से वो वीडियो देखना। और इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।